मुराठी को तो आप जानते होंगे, जो पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर रहे हैं आजकल, मैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वो इतने यंग रह करके? जी जी, ध्रुव मुराठी का रिसर्च, ध्रुव मुराठी का सब्जेक्ट इनडेप्थ होता है, अच्छी एनालिसिस करके आते हैं, आम जुबान में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑनेस्ट रहते हैं, क्रिटिकल रहते हैं, और आज की तारीख में बंदे में दम है, जिगर है, बात करते हुए डरता नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी के बारे में एक जुमला बोल देना, उन्होंने 100 जुमले बोल देंगे, अपन एक जुमला बोल दिए तो बड़ा सब प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू परसों पार्टी की पोलिट ब्यूरो मीटिंग में बोल रहे थे कि तैयार हो जाओ सीबीआई केसेस के लिए, अब हमारे पीछे सीबीआई आने वाली है, आईटी आने वाली है। ये बोले तेलंगाना आंध्र चेन्नई में आईटी के रेट शुरू हो गए, सीबीआई के रेट शुरू हो गए। तो जो भी अगेंस्ट में है उन्हें या तो रेट्स में आ जाएगा या फिर उनके साथ मिल जाना। इसलिए 100 से ज्यादा बीजेपी के एमपी कांग्रेस के पहले लोग थे, तो डर के आ गए, डर के जो नहीं आया उस पर सीबीआई छोड़ दो, आईटी छोड़ दो, एनआईए छोड़ दो, ऐसा चल रहा है। तो मैं समझता हूं ध्रुव मुराठी इन हालात में ठहर कर कुछ बोल रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्ट है, एनालिसिस अच्छा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, और इनडेप्थ बात करते हैं, सुधार के लिए सजेशंस भी देते हैं। इस्लामिक सजेशंस दिए तो और बेहतर रहेगा, सही मानों में सुधार आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि आप सजेशंस दो या फिर किसी के बारे में, आपको ये मुल्क में रहना बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे अभी ध्रुव मुराठी यहाँ पर नहीं है, वो बाहर रह करके ही ये सब बोल रहे, तो कितना ऐसा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है कि कुछ बोल दूं मैं तो मुझ पर कुछ हमला हो जाए? अभी भाई आजकल के हालात तो ऐसे है कि संबित पात्रा, जीवीएल नरसिम्हा राव लाइव टेलीविजन चैनल पर, नेशनल चैनल पर मुझे धमकी दे चुके हैं, फांसी चढ़ा देंगे, मरवा देंगे, जेल में डाल देंगे। अनिल अग्रवाल परसों दे रहे थे कि सिस्टम की झपेट में तुम आओगे तो सही, लियास छोड़ेंगे नहीं तुमको। एक आर्मी नायक के बेटे को ऐसे खतरनाक लुच्चे पने के धमकियां दे रहे हैं टीवी पे बैठ के रूलिंग पार्टी के दिग्गज नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब आप अंदाजा लगाइए ग्राउंड की हालत क्या होंगी। इसीलिए क्राइम में नंबर वन पे चले गया देश। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन कहती है कि हमारे यहाँ जो ग्राफ है वो लाइफ प्रोटेक्शन का नीचे गिरते जा रहा है, हमारे पास अब जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत मुश्किल होते जा रही है। सीरिया और पाकिस्तान से बदतर हो गए, अफगानिस्तान से बदतर हो गए, हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो सिचुएशन खराब हो गई। इसका मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल मानता हूं नरेंद्र मोदी, उनकी गवर्नमेंट, उनकी पार्टी और उनके प्रेसिडेंट अमित शाह को, पार्टी प्रेसिडेंट को, उन लोगों ने ये माहौल पैदा किया, देश के लिए अच्छा नहीं है, बर्बादी वाला है। तो आपको कितना डर नहीं लगता ऐसे बयान देना, किसी के बारे में बोल देना? इंसान होने के नाते फिकर सबको रहती है, और हम एक इंसान है रोजमर्रा के, 10-12 लोग जमा हो के हम पर अटैक कर दे तब कोई अमिताभ बच्चन तो है नहीं, हम तुम लोग मुझे यहां ढूंढ रहे हो, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था, समझ रहे हम वो तो है नहीं। तो एक दो को मैं अच्छा बॉक्सर हूं, 2-3 को तो संभाल ले सकता हूं अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह, लेकिन एक 10-15 आ जाएंगे तो अल्लाह ही हिफाजत करे मेरी। तो यकीनन फिक्र रहती है, लेकिन फिर ये तय कर लिया कि हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं, ब्रेन हैमरेज से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो भाई अल्लाह के दीन के लिए अच्छा काम कर देश के लिए, देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए, इन हालात में अगर मेरा बुलावा भी आ जाए तो अल्लाह से उम्मीद है एक बहुत अच्छी मौत है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं अल्लाह चाहे तो। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ, फिक्र रहती है, माँ है रोती है घर में, दुआ करती है, एक्स आर्मी मैन की बीवी है, पापा भी बहुत सख्त हालात देखे थे आर्मी में, तो जरा पापा भी एग्रेसिव थे, थोड़ा मैं भी एग्रेसिव हूँ बाज जगहों पर, हर जगह नहीं, सॉफ्ट रहता हूँ लेकिन बाज जगह एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो माँ डरती है, बीवी मुझे बड़ी अच्छी मिली माशाल्लाह, 2 बीवियां मिले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 7 बच्चे हैं, 1 लड़की 6 लड़के, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने मेंटली उनको प्रिपेयर करके रखा है कि भाई कुछ हुआ तो आप परेशान नहीं होना, अल्लाह के पास अच्छे हालात में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो फिक्र होती है, डर नहीं, अल्लाह ने डर निकाल दिया दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने डर निकाल दिया, एक बाल को धक्का नहीं लगा अभी तक अल्लाह।